हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। आई विश ऑल आर गुड एंड सेफ एट योर होम। ओके बच्चों, अभी इसके पहले हमने अ और आ अपन यापूर्वी पाठ दोन बघितला है, त्यामध्ये अ आणि आ म्हणजे अ म्हणजे मात्रा नसलेले यानी जिसमें कोई मात्रा नहीं होती ऐसे शब्द देखे, और आ यानी ऐसे शब्द देखे जिनमें मात्रा होती है। कौन सी मात्रा होती है? सिर्फ आ की, म्हणजे फक्त आचा काना लागून तयार होणारे आणि कोणतीही मात्रा न लागून तयार होणारे असे शब्द आपण बघितले। पढ़ा हमने इसके पहले, उसके बाद हमने एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया, एक अभ्यास सुद्धा पूर्ण केला, त्यामध्ये काही चित्र दिलेली होती आणि त्या चित्रांना बघून आपल्याला त्यांची नावे पूर्ण करायची होती। किया था ना हमने, कुछ पिक्चर्स दिए थे उसके नीचे उनके नाम लिखे थे जो आधे अधूरे थे, कहीं के बीच बीच में ब्लैंक स्पेस छूटी हुई थी ना, उस जगह पे हमें एग्जैक्ट जो कौन सा वर्ड आता है उसके लिए कौन सा हम वर्ण यूज़ करेंगे वो लिखना था और उस शब्द को पूरा करना था। अशा प्रकारे अपन अ आणि आ यावर असलेला अभ्यास आणि त्यापासून तयार होणारे शब्द शिकलो। अब हम उसके बाद आज कुछ नया पढ़ेंगे। आज आपण शिकूया वाक्य। हम क्या पढ़ेंगे आज? वाक्य। वाक्य मीन्स क्या होता है इंग्लिश में? जिसे हम सेंटेंस करते हैं ना, सेंटेंसेस है ना, एक ही वाक्य नहीं पढ़ना है हमें, एक से ज़्यादा पढ़ना है, तो हम वाक्य पढ़ेंगे। तो वाक्य म्हणजे काय? सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन आ गया होगा, वाक्य कैसे होता है? हमने पहले तो वर्ण पढ़ा, फिर उसके बाद शब्द पढ़े, अभी नया क्या है? वाक्य है ना, आपको ऐसा लग रहा है। तर वाक्य म्हणजे काय? दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक शब्द मिळून काय तयार होतो? वाक्य। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। शब्द कैसे बनता है? दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है। और वाक्य कैसे बनता है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर वाक्य। जैसे देखो बघा इकडे, जसं आपण क प्लस अ, क्या लिखा है हमने यहाँ? क प्लस अ। क एक वर्ण हो गया और प दूसरा वर्ण। क एक व्यंजन है, एक अक्षर है आणि प दूसरा अक्षर है। हे जेव्हा वेगवेगळे आहेत, हे जब अलग अलग लिखे हैं तो हम इनको वर्ण कहेंगे, यांना आपण काय म्हणू? अक्षर है। पण आपण या दोघांना जर एकत्र लिहू तर काय तयार होणार? जब हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? जैसे हमने लिखा क प, काय लिखा आपण? दोन अक्षरे एकत्र लावली, दोनों अक्षरों को हमने दोनों वर्णों को एक साथ लिखा तो एक शब्द बन गया, क प बना ना, एक शब्द बना। कप मतलब हम समझ सकते हैं कि कप ऐसी कोई चीज है जिसमें हम दूध चाय कॉफी डाल के पीते हैं, इतना आपको समझ में आया? यानी दो या दो से अधिक वर्णों को हमने जब मिलाया तो क्या बन गया? शब्द बना। दोन हे दोन अक्षर है वेगवेगळे आणि या दोन्ही अक्षरांना आपण एकत्र लिहिलं तर काय झालं? तर शब्द तयार झाला। अशाच प्रकारे इसी तरीके से अब अलग अलग इस तरीके के काफी सारे शब्द होंगे, उनको एक साथ मिलाकर हम क्या लिखेंगे? वाक्य बनेगा। कैसे? देखो जैसे यहाँ लिखा हमने क, अब इसी के जैसे हम एक वाक्य लिखेंगे, जैसे तो इस तरीके से हमने लिखा राम अमन अमन अननस अननस पकड़। आता बघा इथे तीन शब्द दिलेले आहेत, इसमें कितने शब्द दिए हुए हैं? देखिए अमन अननस पकड़, यामध्ये अमन एक शब्द आहे क्योंकि याच्यामध्ये किती तीन वर्ण आहेत, अ प्लस म प्लस न, क्या बन गया? अमन। अ प्लस म प्लस न कप सारखं अमन, मग अ प्लस न प्लस न प्लस स अननस, प प्लस ग प्लस ड पकड। म्हणजे हे तीन वेगवेगळे अक्षर आहेत है ना, हे तीनों अलग अलग अक्षर आहेत, सॉरी तीनों अलग अलग शब्द है। अब इन तीनों शब्दों को हमने एक साथ लिख लिया तो यह बन गया, इसको हम कहेंगे शब्द, ये हो गया शब्द और ये बन गया वाक्य। ये क्या बना? ये क्या झालं? वाक्य। मतलब क्लियर हो गया आपको? तुम्हारा समझने ना असेल कि दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यंजने किंवा अक्षरे मिळून शब्द तयार होतो।
मतलब दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं, तो उसी तरीके से दो या दो से अधिक म्हणजे दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त शब्द एकत्र मिळून काय तयार होतो, वाक्य। ओके, एवढं समजलं? इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आज पढ़ेंगे वाक्य, ऐसे ही जैसे हमने लिखा इस तरीके से कुछ वाक्य पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? असे वाक्य शिकूया आपण आज ज्यामध्ये कोणतेही मात्रा चिन्ह नाही। हम ऐसे शब्द ऐसे वाक्य पढ़ेंगे क्योंकि हमने अ और आ अ आणि आच आपण शिकले, त्यामध्ये अ पहिले सबसे पहले हम अ मतलब बिना मात्रा वाले शब्द देखेंगे। अब देखें फिर उसके बाद हम बिना मात्रा वाले शब्दों से बने वाक्य देखेंगे। ओके, चलो तो चला आपण शुरू करूया। मात्रा नसलेले शब्दापासून तयार होणारे वाक्य आपण बघूया। आता इकडे बघा, इथे काय लिहिलेलं आहे वर बघा। सबसे पहले देखिए बच्चों, एक बात सुनिए, अगर आपके पास बुक है तो आप अपने बुक का पेज नंबर 15 ओपन करेंगे। जर तुमच्याकडे पुस्तक असेल तर तुम्ही तुमच्या बुकचं पेज नंबर 15 काढायचं, 15 म्हणजे 15। ओके, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप, मैं जो बोर्ड में पढ़ा रही हूँ उसको देखेंगे और उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इधर देख के पहले आपको समझना है, और बुक है तो सिर्फ आप बुक से रीड करेंगे, देखेंगे, और जो बोर्ड में मैं लिख रही हूँ उसको देखकर समझेंगे। तो चला इधर लिखेला है वाचा आणि समझा, मतलब क्या होता है आपको समझ में आया? वाचा आणि समझा, इसका मीनिंग आपको समझ में आया? पढ़ो और समझो। हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, काफ़ी सारे जगह लिखा होता है पढ़ो और समझो, पढ़ो और याद करो, वैसे ही वाचा यानी पढ़ना, वाचा यानी पढ़ो, आनी यानी और, समझा यानी समझो, पढ़ो और समझो। ओके, क्लियर? चलो अब मैं एक एक करके मी इथे एक एक वाक्य लिहिणार आहे आणि त्या वाक्यांना तुम्हाला वाचायचं आहे आणि समजायचं आहे, फक्त पढ़ना है और आपको समझना है कि वो सेंटेंस आपको क्या कह रहा है। तो चलो स्टार्ट करते। चला सर्वप्रथम शुरू करूया वाक्य एक, पहला वाक्य शुरू करूया। बघा इथे एक मुलगा आहे, त्या मुलाच्या हातामध्ये कप आहे, एक लड़का है और उसके हाथ में कप है। तो चलो हम बॉय का नहीं लेकिन कप का तो पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। चलो हम ड्रॉ करेंगे। पहला एक वाक्य दिलेला आहे शरद कप धर, शरद कप धर, शरद कप धर रस हर, कप धर आणि रस भर। बघा वाक्य काय लिहिले आहे माझ्याबरोबर तुम्ही सुद्धा वाचा, तर मेरे साथ आपको भी रीड करना आहे। शरद कप धर रस भर। कप हमने ये ड्रॉ किया है, इसका मीनिंग होता है शरद नाम का एक लड़का, एक लड़के का पिक्चर दिया हुआ है, वहाँ हम शरद के जगह अमन, शरद, रमन ऐसे नाम लिख सकते, लेकिन कोणते नाव लिहायची जानना, कोणतेही मात्रा चिन्ह नाही म्हणजे आ ई ऊ कोणतेही नाही, कारण आपण मात्रा नसलेल्या शब्दांपासून तयार होणारे वाक्य बघत आहोत। क्या पढ़ रहे हैं? जिन ऐसे शब्दों से बने हुए वाक्य जिसमें कोई मात्रा नहीं है। मैं आपको बार बार दोहरा रही हूँ तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, शरद कप धर रस भर, म्हणजे शरद नावाचा एक मुलगा आहे, त्याला कोणी म्हणत आहे हे कप हातात धर आणि त्यामध्ये काय भर, रस भर, दिसत आहे काहीतरी भरलेलं, कुछ तो भी इसमें पकड़ा, मतलब शरद कप धर त्यामध्ये कपामध्ये रस भर, रस याने कोई भी रस होता, रस याने होता है ज्यूस, रस याने होता है ज्यूस, मैंगो ज्यूस होता है, ऑरेंज ज्यूस होता है, काफ़ी सारे प्रकार के ज्यूस होते हैं ना, उसमें से कोई भी एक ज्यूस को भर। तो देखा हमने इस वाक्य में कहीं भी कोई भी मात्रा नहीं लगी, ठीक है ना।
आता दूसरे वाक्य हो गए। अब सेकंड सेंटेंस देखेंगे हम। दूसरे वाक्यात काय लिहिले आहे? नयन मगर व बदक बघ। नयन बघा, नयन या शब्दामध्ये सुद्धा कुठेही मात्रा नाही। नयन हिच नामलेपिकही कोई मात्रा नाही। नयन मगर व बदक बघ। नयन मगर व बदक बघ। काय आहे हा? बदक, बदकाचं चित्र आहे ना, बदक का पिक्चर है, डक है, तो इस सेंटेंस ये रिलेटेड है। नयन मगर व बदक बघ, कोणता वाक्य लिहिलं आपण? नयन मगर व बदक बघ, मतलब नयन नाम का कोई लड़का है, उसको मगर और बदक देखने के लिए कहा गया है, ठीक है। नयन मगर व बदक बघ, हा दूसरा वाक्य झाला। दो सेंटेंस हमने पढ़े। सबसे पहला सेंटेंस, शरद कप भर रस भर, मतलब शरद कप पकड़ो और उसमें क्या डालो तुम? रस भरो। फिर सेकंड सेंटेंस है, नयन मगर व बदक बघ। नयन तू काय कर, मगर बघ आणि बदक, मैंने सिर्फ बदक का पिक्चर बनाया है, मगर भी है, कोई उनको दिखा रहा है, यहाँ मगर है और बदक है, इसको तुम देखो। बघ मतलब देख। आता तीसरा अब थर्ड सेंटेंस हम देखेंगे। तीसरे वाक्यात काय लिहिले आहे? कोणतं पिक्चर का चित्र काढलंय मी? कोणतं फळ आहे? कौन से फ्रूट का पिक्चर ड्रॉ किया है? आप पहचान सकते हैं इसे? काय आहे हा? काय आहे? यस, अननस आहे ना ही। मग यावर एक वाक्य बनवूया। कमल कमल, मग नंतर हे कशाचे फळ आहे? हे अननस। मग इथे कमल अननस अननस पकड, कमल अननस पकड, कमल अननस पकड, ठीक है। दुसरा तीसरा वाक्य आहे, कमल अननस पकड। अशा प्रकारे आपण एक दोन तीन वाक्य बघितली। नंतर आहे आता एक शेवटला चौथा वाक्य बघूया, ठीक आहे। चौथा वाक्यामध्ये दिलेलं आहे, तनय झटपट शरबत कर। इथे तनय झटपट सरबत कर। एक काय आहे? ग्लास आहे। ग्लास मध्ये काय टाकलेली आहे? शरबत। जैसे आप शरबत कहाँ पीते हो? ग्लास में पीते हो ना, कांच का पेला होता है उसमें पीते हो। तर तनय झटपट शरबत कर। तनय कोण आहे? एका मुलाचं नाव। तनय एक लड़के का नाम है। फिर झटपट आने जल्दी जल्दी, झटपट आने जल्दी जल्दी, क्विकली फास्ट, जिसको हम कहते हैं शरबत। शरबत तो सभी जानते हैं, माहिती आहे ना सगळ्यांना शरबत। आणि कर, कर मतलब बना, जल्दी जल्दी शरबत बना, ऐसा इस सेंटेंस का मीनिंग है। सेकंड इसका है, कमल अननस पकड़, मतलब कमल एक लड़के का नाम है, उसको कह रहे हैं कि कमल अननस पकड़, मतलब हाथ में, जैसे मैंने हाथ में क्या पकड़ा? डस्टर। जैसे आप बोलोगे मैम हाथा डस्टर पकड़ा, है ना, जैसे मैंने हाथ में डस्टर पकड़ा है, तो वैसे हिंदी में इसको कहते हैं अननस, हाथ में पकड़ो। मगर व
बदक भव नयन मगर व बदक भव दूसरे पहले वाक्य है शरद कप भर रस भर। अशा प्रकारे आपण किती वाक्य बघितले, चार। इस तरीके से हमने ये फोर सेंटेंस मैंने आपको बोर्ड में पढ़ाया है, तो जिसके पास बुक है वो बुक से देख के ये फोर सेंटेंस इस तरीके से छोटे छोटे पिक्चर ड्रॉ करके लिखेंगे। अगर जिसके पास बुक नहीं है तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये सारे सेंटेंस कॉपी में लिख कर मुझे एक बार सेंड करेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें लिख कर कॉपी में लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे और व्हाट्सएप में सेंड करेंगे। ओके, बाय एवरीवन।